राम मंदिर वो पूजा करने गया, वहाँ के सारे पुजारी कोरोना पॉजिटिव निकले हैं, उसके बाद भी हुआ ना सब कुछ। आपने रखी ना वहाँ पर, आपने पूजा भी रखी, आपने सब कुछ किया। आप नवरात्रे की पूजा करने लॉकडाउन के अगले दिन योगी आदित्यनाथ जी गए ना पूजा करने के लिए 21 लोगों को लेके, तब क्यों नहीं हल्ला मचा, क्यों न्यूज चैनल वालों ने ये सब के लिए इसको क्यों नहीं कम्युनल बनाया? किसी भी तरह से तबलीगी जमात का कोई रोल नहीं था कोरोना को फैलाने में, वो उतनी ही कसूरवार थी जितने की हमारे मंदिर, जितने की हमारे गुरुद्वारे, जितने की हमारे बाकी धार्मिक संस्थान। आपने ट्वीट किया है, आपने कोई FIR नहीं दर्ज कराई है किसी जज के अगेंस्ट, आपने सिंपल ट्वीट किया है। कितने सारे ट्वीट कितने किए जाते हैं आप मुझे बताइए, ट्विटर पे जाके जो लोग जिनको प्रधानमंत्री जी फॉलो कर रहे हैं जिन लोगों को, वो मुझे गालियां देते हैं, वो मुझे स्लट बुलाते हैं क्योंकि मैं सरकार के अगेंस्ट जाती हूँ, तो वो मेरे ऊपर भी 36 इल्जाम लगाते हैं। क्या मैं उनके ऊपर केस कर दूँ? क्या मैं, मेरे लिए कोर्ट स्टैंड लेगी? मैं भी तो सिटीजन हूँ इस कंट्री की, क्या कोर्ट मेरे लिए स्टैंड लेगी? इनफैक्ट हमारे तो पार्लियामेंट में इतने सारे करप्ट लोग बैठे हैं, हम ये बात बिल्कुल डंके की चोट पे कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे ऊपर केस हो जाना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं है हमारी आवाज़ को दबाने के लिए ये सरकार या कोर्ट हमको उस चीज़ के लिए हमारे ऊपर कोई भी एक्शन ले। ये कहा जाता है कि जज लोया को एक्चुअली मारा गया है, वो प्राकृतिक रूप से नहीं मरे हैं, और उसके पीछे कहीं ना कहीं गुजरात सरकार, उसके पीछे कहीं ना कहीं अमित शाह, उसके पीछे कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार का हाथ है। आपने उसकी जांच क्यों नहीं करवाई? पिछले 6 सालों में क्या हो रहा है कि आप आवाज़ उठाते हैं, आपकी आवाज़ को दबाने के लिए आपके ऊपर झूठे इल्ज़ाम भी लगाए जाते हैं, आपको आपके ऊपर FIR भी करी जाती है, आपको बंद भी कर दिया जाता है जेल में। और इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है हमारे डॉक्टर कफील। मेरी नज़रों में प्रशांत भूषण जी की इज्जत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है इस बात के बाद, क्योंकि उन्होंने सावरकर बनने से इनकार कर दिया। जजेस कौन होते हैं? जजेस एक इंसान होते हैं, और इंसान सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, ये बात मैं हमेशा से कहती आई हूँ। आप अगर किसी जज के बारे में वो अच्छा है या बुरा है, करप्ट है या सही है, अगर कुछ बोलते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं या आप कोर्ट की बेइज्जती कर रहे हैं या आप हमारी जो न्याय प्रणाली है या जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है आप उसको गलत कह रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये सब जो मुद्दे हैं ये आज 6 सालों में क्यों उठ के आ रहे हैं? जो भी आवाज़ उठाता है उसकी आवाज़ को दबाने के लिए उसके ऊपर केसेस लग जाते हैं, उसके ऊपर FIR हो जाती है, ये अभी क्यों आ रहे हैं? क्या इससे पहले ये बात नहीं कही जाती थी? आप मुझे बताइए, अगर सचमुच जजेस इतने इम्पॉर्टेंट हैं, तो जब जज लोया की हत्या हुई, जो कुछ भी किया गया उनके एक ट्वीट के ऊपर किया गया है, ज़रूरी नहीं है कि उनके पास एविडेंस होंगे, एविडेंस होते तो शायद वो बहुत आगे तक बहुत कुछ कर सकते थे। एविडेंस हमेशा मौजूद नहीं होते हैं, लेकिन वो खुद एक लॉयर हैं, बहुत सी चीज़ें अंदर की बाहर की उनको भी बहुत अच्छे से मालूम है। उन्होंने एक सिंपल सा ट्वीट किया, हम लोग भी बहुत जगहों पे बोलते हैं कि वो जज करप्ट है या वो पुलिस ऑफिसर करप्ट है। हमारी कंट्री, हमारा संविधान हमें राइट देता है, राइट टू स्पीच, राइट टू एक्सप्रेशन। अगर हमें कोई चीज़ गलत लग रही है हम बोलेंगे, उसके लिए सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो एक मुसलमान है आपने उसको जेल के अंदर डाला, और आपने NSA तक लगा दिया उनके ऊपर, और लगातार जब भी जिस दिन भी उनकी सुनवाई होने होती है आप उनको बेल देने की बजाय उनकी आप डेट आगे कर देते हैं या उनके ऊपर कोई नया आरोप लगा देते हैं। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, सिर्फ डॉक्टर कफील नहीं है, बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जिनके लिए मैं आपको बोलती हूँ कि जिन्होंने आवाज़ उठाई और उनकी आवाज़ को दबाने के लिए सरकार और हमारी जो भी जुडिशरी सिस्टम है, हमारी पुलिस फोर्स है, वो सब सरकारी एक तरह से संस्थाएं बनकर रह गई हैं। हमारी मीडिया जो है वो निष्पक्ष होने की बजाय वो सरकारी हो चुकी है। तो जो कुछ भी देश में हो रहा है आज, वही हो रहा है जो BJP गवर्नमेंट चाहती है। लेकिन सरकार तो कह रही है कि प्रशांत भूषण को माफ़ कर देना चाहिए कोर्ट को। सरकार, आप मुझे एक बात बताइए, जो BJP सरकार है, BJP सरकार प्रशांत भूषण जी को अटैक क्यों किया जा रहा है? क्योंकि वो BJP सरकार के अगेंस्ट है। ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं, BJP सरकार उनके लिए भी क्यों नहीं बोलती आके? ये गेम्स खेलना बंद करें, बहुत हो चुका है, हम लोग ये सब देख देख के पक चुके हैं। सरकार भी ये जानती है कि वो क्या कर रही है। अगर ये बोलती है आज सरकार कि उनके ऊपर बिल्कुल कार्यवाही नहीं होनी चाहिए, कोर्ट को नहीं करनी चाहिए और उन्होंने क्या गलत कहा, तो सबसे पहले वो योगी आदित्यनाथ को बोले ना कि वो किस बात पे घड़ी घड़ी हर किसी को उठा के जेल में बंद कर देते हैं, चाहे वो कोई पत्रकार हो, चाहे वो कोई डॉक्टर हो, चाहे वो कोई भी इंसान हो, जो उनके खिलाफ बोलता है उसको अंदर कर दिया जाता है यूपी में।
आप जानते हैं बहुत अच्छे से, जब कांग्रेस सरकार भी थी और जब लोकपाल बिल के लिए अन्ना का आंदोलन छेड़ा गया था, तब भी वो उसी चीज़ के लिए खड़े हुए थे। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ बीजेपी सरकार के अगेंस्ट है, वो भी एक सरकार थी, वो तब भी उस चीज़ के लिए खड़े हुए थे। जब वो आम आदमी पार्टी में के साथ थे, उन्हें वहाँ उनकी नीतियाँ गलत लगी, उन्होंने उनको भी छोड़ा। आज जब उनको बीजेपी सरकार की नीतियां गलत लग रही हैं, तो उन्होंने उसके खिलाफ भी आवाज उठाई है। जो आरोप इन्होंने लगाए हैं भ्रष्टाचार के, वही आरोप जस्टिस कन्नड़ ने लगाए थे, और ये जस्टिस कन्नड़ के खिलाफ थे प्रशांत भूषण। ये मैं आपको वही बोल रही हूँ, क्या होता है क्या नहीं होता है, मैं उस बात की गहराई में नहीं जाना चाहती कि क्या प्रशांत भूषण ने किसके ऊपर किसके समर्थन में थे किसके नहीं थे। मैं आपको सिर्फ इस पर्टिकुलर बात के ऊपर बोल रही हूँ कि वो यहाँ पर गलत नहीं है। आप मानते हैं गलत नहीं है? बिल्कुल गलत नहीं है, क्योंकि आपने एक इंसान के बारे में बोला है कि वो करप्ट है, आपने कोर्ट के बारे में, आपने न्याय जो सिस्टम है या सुप्रीम कोर्ट के बारे में, सुप्रीम कोर्ट को करप्ट नहीं बोला है, आपने जजेस को करप्ट बोला है, जो कि जजेस होते हैं वो इंसान होते हैं। तो क्या जो स्वेता संज्ञान लिया है कोर्ट ने इस मामले में, तो क्या आपको लगता है कोर्ट ने गलती करी है? मुझे जहाँ तक लगता है कि ये सरासर हमारे जो अधिकार है उसका हनन है, क्योंकि ये संविधान ही हमें ये अधिकार देता है कि अगर हमें कोई चीज़ गलत लगती है तो हम उसको बोलें, हम उसके लिए आवाज़ उठाएं, हम उसके खिलाफ जाएं, पीसफुल प्रोटेस्ट करें, हम ये जो भी हमें गलत लग रहा है, चाहे वो सरकार के खिलाफ है, चाहे वो सिस्टम के खिलाफ है, चाहे वो गवर्नमेंट के खिलाफ है, हमारे संविधान ने हमें ये अधिकार दिया है। अगर सरकार अगर वो कोर्ट उस अधिकार को छीनती है हमसे, तो बिल्कुल गलत है। तो आपको लगता है जो प्रशांत भूषण जी ने कहा कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, बिल्कुल वो सही कह रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर वो माफ़ी मांग लेते हैं, इसका मतलब उनकी बात की कोई वैल्यू नहीं रही ना। सबूत है या नहीं है वो बात की बात है, लेकिन उन्होंने एक किसी इंसान के बारे में बोला है, जजेस के बारे में बोला है कि वो करप्ट है या नहीं है, आप जांच करिए। ये तो सरकार का, ये तो कोर्ट का है ना, आप जांच करिए उनके बारे में। सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं माफी इसलिए नहीं मांग रहे, ये अन्ना दूसरा अन्ना हजारे बनना चाहते हैं। देखिए मैंने आपको क्या बोला, मुझे नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है, मैं उसके ऊपर टिप्पणी भी नहीं करूंगी, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम बहुत से लोगों के लिए बहुत कुछ सोचते हैं, लेकिन आगे जाके बहुत चीज़ें डिफरेंट निकलती हैं, इसलिए मैं ये बात नहीं बोलूंगी कि वो कल को क्या करने वाले हैं क्या नहीं करने वाले। लेकिन मैं एज अ ह्यूमन बींग, एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, मैं इस वक्त इस बात के ऊपर उनके साथ हूँ। क्यों इस मुद्दे को इतना बड़ा बनाया जा रहा है? आप तो खुद बड़ा बना रहे हैं प्रशांत भूषण जी को इस मुद्दे के को रख के। इतने सारे रेप केसेस होते हैं इंडिया में, इतने सारे गुनाह होते हैं इंडिया में, उनके ऊपर तो कोई इतना बड़ा उसका बवाल नहीं मचता है। एक इतनी सी ट्वीट के ऊपर आप इतना बवाल मचा रहे हैं, और भी तो बहुत सारी चीजें हैं। न्याय व्यवस्था सरकार के दबाव में काम कर रही है? बिल्कुल कर रही है, बिल्कुल कर रही है। अगर न्याय व्यवस्था सरकार के दबाव में काम नहीं कर रही होती तो डॉक्टर कफील आज बाहर होते, क्योंकि उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया। शुरू में तबलीगी जमात वाला केस हुआ, आपने क्या किया? आपने दिल्ली का पूरा ढीकरा उनके सर पे फोड़ दिया। किसी ने भी एक बार ये कहने की कोशिश नहीं करी, किसी ने सरकार से इस बात की जवाबदेही नहीं मांगी कि आपने उन लोगों को, उन फॉरेन नेशनल्स को वीजा दिया क्यों जब कोरोना चल रहा था? आपने क्यों आने दिया इंडिया में उनको? आपने परमिशन दी क्यों? वो जो कुछ भी हो रहा था वहाँ पर धर्म के उस पर, आपने परमिशन क्यों दी? सरकार से तो कोई पूछता नहीं है इस चीज़ के लिए। सरकार ऐसी बातों पे तो दूसरी कंट्रीज में सरकारें गिर जाती हैं। आप सरासर झूठ दिखा रहे हैं अपने न्यूज़ चैनल पे, आप किसी की इमेज को खराब कर रहे हैं, आज आप देश की शांति को भंग कर रहे हैं, आप कम्युनल कर रहे हैं हर चीज़ को, आपने कोरोना तक को कम्युनल कर दिया है। आपकी वजह से अगर दोबारा कोई दंगा होगा तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? क्या उसके लिए वो सारे न्यूज़ चैनल रिस्पॉन्सिबल नहीं होने चाहिए? बंद हो जाने चाहिए ऐसे न्यूज़ चैनल्स? आप बिना सोचे समझे जितने भी हमारे न्यूज़, आप प्रशांत भूषण की बात करें, जितने भी हमारे न्यूज़ चैनल्स हैं, बिना किसी भी खबर की पुष्टि करें वो लोग यही करते हैं। बिना खबर की पुष्टि वो न्यूज़ चैनल वाले होते हुए वो लोग एक बार सोचते, हम लोगों के पास कोई न्यूज़ आती है ना, हम गूगल करते हैं, हम ढूंढने की कोशिश करते हैं उसके फैक्ट्स, और उसके बाद हम उसको पोस्ट करते हैं। न्यूज़ चैनल वालों का ये काम नहीं था। आप न्यूज़ चैनल वालों ने क्या किया?
इंडिया टीवी वालों ने क्या किया, मेरे घर में इंडिया टीवी चलता था, मैंने खुद देखा इंडिया टीवी वालों को कि वो इतनी गलत गलत, जिस तरह की व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चलती है उसी तरह की खबरें वो दिखाते थे। 2 साल पुरानी किसी की जो थूक की, किसी ने थूक फेंका कहीं पर और आपने उसको दिखा दिया कि वो तबलीगी जमात के लोग हैं, बर्तनों वाला जो दिखा। हाँ, उसके अलावा जो एक जिस एक मुस्लिम जो भी कोई था उसको लेके जा रहे थे पुलिस वाले वैन में और उसने वहाँ पे जो कुछ भी किया, उसने थूक फेंका या जो भी किया, वो कितना साल पुराना था, आपने उसका कोरोना से कोई लेना देना नहीं था उस मुजरिम का, वो भी आपने इस तरह से दिखाया कि ये तबलीगी जमात का बंदा है, तो आप अभी तक क्यों एक्शन नहीं लिया गया उस न्यूज़ चैनल पे? इतने सारे न्यूज़ चैनल्स हैं, मैं खुद जानती हूँ ये बात, हम लोग न्यूज़, मैं जितने भी हमारे नेशनल टीवी हैं इस वक्त, जितने भी नेशनल न्यूज़ चैनल्स हैं, आई डू नॉट बिलीव इन देम, रीज़न वो सारे के सारे बिकाऊ हैं और ये बात मैं शुरू से कहती आई हूँ कि वो सब की सब सरकारी एजेंसीज हैं। लेकिन मरकज को लेकर तो पूरा हाई हल्ला हुआ, एक एजेंडा पूरा चलाया गया चैनलों पर, लेकिन अभी तक जो मंदिरों से खबरें आ रही हैं कि लगातार मंदिरों में जो पुजारी हैं, जो उनके सहयोगी हैं, वो लगातार कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं। सारी बातें छोड़िए ना, राम मंदिर वो पूजा करने गए, वहाँ के सारे पुजारी कोरोना पॉजिटिव निकले, उसके बाद भी हुआ ना सब कुछ, आपने रखी ना वहाँ पर, आपने पूजा भी रखी, आपने सब कुछ किया। आप नवरात्रे की पूजा करने लॉकडाउन के अगले दिन योगी आदित्यनाथ जी गए ना पूजा करने के लिए 21 लोगों को लेके, तब क्यों नहीं हल्ला मचा, क्यों न्यूज चैनल वालों ने ये सब के लिए इसको क्यों नहीं कम्युनल बनाया? आप मुझे आज एक छोटी सी बात बताइए, एक उस तबलीगी जमात को लेके जिस तरह से एजेंडा चलाया गया था न्यूज़ चैनल वालों की वजह से, आपको मालूम है कॉलोनीज़ में लोगों ने जो बेचारे गरीब सब्जी वाले थे उनको आना बंद करा दिया था, आप मुझे एक बात बताइए, आज उनके घर में कुछ भी होता है, आज अगर वो भूखे मर जाते हैं, कल को वो कोई जाके किसी गलत काम में फंसते हैं, वो गलत चीज़ करते हैं पैसा कमाने के लिए या रोटी कमाने के लिए, तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? वो उसके लिए वो न्यूज़ चैनल्स रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे, उसके लिए हमारी सरकारें जिन्होंने उनको हवा दी, जिन्होंने इस बात को हवा दी कि हाँ तबलीगी जमात की वजह से ही सब कुछ फैला है, हमारे दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल, उन्होंने तक पूरा का पूरा ढीकरा उनके ऊपर कर दिया था, बिल्कुल। इतने आप अपनी नाकामयाबी को छुपाने के लिए आपने अपना काम अच्छे से नहीं किया, आपने हॉस्पिटल्स में बेड्स पूरे नहीं रखे, आपने मेडिकल फैसिलिटीज पूरी नहीं रखी, उसको छुपाने के लिए आप उन लोगों के ऊपर इल्जाम डाल रहे हैं, तो आप में और बीजेपी में फर्क क्या हुआ? आप बीटी में बीजेपी की